हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। यूपी में कंडक्टर की पोस्टें निकली हुई हैं, अस्थायी तौर पे है। इसके बारे में जानेंगे, प्लस क्या एज क्वालिफिकेशन रखा गया वो जानेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया वो जानेंगे, और किस किस शहर में आई हुई है वो जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको, ठीक। तो आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अब बात करते हैं UPSRTC कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन है। जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट करने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, क्लियर। अप्लाई ऑनलाइन और एग्ज़ाम मेरी डेट अभी कुछ नहीं क्लियर करा है। एप्लीकेशन जो फीस आपकी रखी गई है वो जीरो फीस है, और एज जो है मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और एज 40 से 45 डिस्ट्रिक्ट वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रखी गई है, क्लियर। अच्छा, जो पोस्ट नेम है वो बस कंडक्टर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा। अब थर्ड पार्टी होती क्या है, या आप इसको कह दीजिए संविदा। थर्ड पार्टी का मतलब ये परमानेंट नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी, जैसे लेबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कभी जाइएगा तो थर्ड पार्टी के द्वारा वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है, काम करने के लिए दिया जाता है। वहाँ पे लोग काम करते हैं, और फिर जैसे ही वो टेंडर या जो भी हो, इसका पूरा नहीं लेकिन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आदमी ने काम करा, इतने समय तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ या हटा दिया गया। दूसरा क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा बहुत सारे लोग का अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता कि मतलब काम जब तक ये सीट मार्कशीट वाला, ये जैसे आपका मार्कशीट बनती है, ये सब चीज़ें जो लड़के फिटिंग वाले होते हैं वो सब भरते हैं, तो क्या होता है एक टाइम तक दिया जाता, फिर उसके बाद हटा दिया जाता। तो ये थर्ड पार्टी है, क्लियर। अच्छा, तो एक तरीके से टेंडर के हिसाब से काम होता है। तो बस कंडक्टर है पोस्ट, और जो इसमें UPSRTC कंडक्टर की जो एलिजिबिलिटी रखी गई, मिनिमम वो 12th पास होना चाहिए, प्लस CCC एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एग्ज़ाम पास होना चाहिए नीलेट के द्वारा, और डोएक्स मतलब वही CCC का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, क्लियर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नेम देख रहे थे कहाँ कहाँ आया है। तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, जिसमें 265 टोटल जॉब मतलब वो है पोस्ट हैं। और इस फॉर्म की जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 20/1/2023 से स्टार्ट हो गया है, सॉरी वहाँ गलत बोला, 20/1/2023 से स्टार्ट हो गया और 28/1/2023 तक का, 28 क्लियर, 28/1/2023 तक का रहेगा। अच्छा, अब जो रिक्त की प्रकृति है वो थर्ड पार्टी के द्वारा जो मैंने बता दिया। वेतन जो है 10,000 से लेकर 20,000 तक प्रति माह है आपका। अनुभव की एकदम आवश्यकता नहीं है, और जो एज है वो 18 से 40 के बीच में आपका होना चाहिए। दूसरा, सहारनपुर में 360 पोस्टें हैं, वही 20/1/2023 से स्टार्ट होगा और 28/1/2023 तक का लास्ट डेट है, क्लियर। इसमें जो पुरुष महिला और जो पोस्ट जिनको जो लोग भर सकते हो, पुरुष महिला विकलांग कोटा, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आप भर सकते हो। 12th and CCC सर्टिफिकेट, इसमें जो एज रखी गई है वो 21 से 45 साल के बीच में आपका होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन था, ठीक। इसको आप सही से अगर आप भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, संविदा के तौर पे है। बाकी आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे आप जाके पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।